पिछले 9 वर्षों में नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है, 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आसपा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आसपा की जरूरत न पड़े इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। इससे भी इस पूरे क्षेत्र में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नए अवसर बन रहे हैं। 2 मार्च को फिर सरकार बनने के बाद यहां एक्सटॉर्शन करने वालों पर भी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई और बहनों, बीजेपी और एनडीए सरकार नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटेड है। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोड हो, रेल हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस सरकार के दौरान फाइनेंस कमीशन के तहत नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ के आसपास थी, जबकि हमारी सरकार ने इसे 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। अब ये बजट 5000 करोड़ रुपए के करीब है। साल 2014 की तुलना में नागालैंड में नेशनल हाईवे नेटवर्क लगभग 2 गुना हो चुका है। नागालैंड अब म्यांमार से भी कनेक्ट हो रहा है। नागालैंड में दीमापुर एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के 8 रूट्स पर उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू की गई है। 100 साल बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेज गति से काम चल रहा है। जब कोहिमा तक ट्रेन पहुंच जाएगी तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होगा। साथियों, भाजपा सरकार नागालैंड के युवाओं को टूरिज्म से टेक्नोलॉजी तक और स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक कदम कदम पर साथ दे रही है। कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें हमारे नागालैंड के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हम भारत की ओलंपिक फुटबॉल टीम के पहले कैप्टन ताली मेरन आओ को बहुत गर्व के साथ याद करते हैं। स्पोर्ट्स की इतनी रिच लिगेसी नागालैंड के पास है। नागालैंड का ये स्पोर्ट्स पोटेंशियल देश के काम आए इसके लिए एनडीए सरकार काम कर रही है। इसी लक्ष्य के साथ नागालैंड में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंसी बनाया गया है। इससे रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में नागालैंड के युवाओं को बेस फैसिलिटीज मिल रही है। साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। इसलिए हम गरीबों के,
आदिवासियों के महिलाओं के विकास पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। मैं समाज का वो हिस्सा है जो विकास के लाभ से वंचित रहा है, इसलिए आज हमारी हर स्कीम में इस वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब को घर हो, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, ये सब भी बीजेपी सरकार गरीब के पास जाकर खुद दे रही है। आप कल्पना कीजिए, गरीबों के 55,000 से अधिक घर नागालैंड के लिए स्वीकृत हुए हैं। पाइप से घर घर पानी मिले, ये तो नागालैंड के एक बहुत बड़े हिस्से की बहनों को सपना होता था। पिछले 3.5 वर्षों में ही नागालैंड के 3.5 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी ये पहुंचाने की सुविधा दी गई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ट्राइबल बहनों को हुआ है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों को हुआ है, आदिवासी परिवारों को हुआ है। नागालैंड के हजारों साथियों ने स्कीम के तहत मुफ्त इलाज कराया है। भाजपा सरकार नारीजन को लेकर भेदभाव करती है। भाजपा सरकार ना रीजन को लेकर के भेदभाव करती है और ना ही रिलीजन को देख करके भेदभाव करती है। आप याद करिए, जब कोरोना महामारी फैली, जब वैक्सीन आई, तो हमने सबको वैक्सीन पर जोर दिया, सबको बिना भेदभाव वैक्सीन लगाई। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार के हर योजना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर वेलफेयर की, ये सबके लिए है, सबके हित में है, कोई भेदभाव नहीं। यही सबका विकास है। सबका विकास का एक और उदाहरण हमारी किसानों से जुड़ी योजना है। हमारी सरकार छोटे किसानों, आदिवासी किसानों को मदद दे रही है। दीमापुर सहित इस पूरे क्षेत्र में जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वैसे वैसे छोटे किसानों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है। नेचुरल फार्मिंग और मिलेट श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े कदम इस वर्ष के बजट में उठाए गए हैं। इससे नागालैंड के छोटे किसानों, ट्राइबल किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। इससे नागालैंड की ऑर्गेनिक खेती को बल मिलने वाला है। बांस की खेती को लेकर भी जो पुराना कानून था, उसको भी बीजेपी सरकार ने बदला है। इसका लाभ आज नागालैंड के आदिवासी परिवारों को हो रहा है। इसी सेवा भावना की वजह से देश की ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी को बहुत प्यार मिल रहा है। वही प्यार, वही उत्साह मैं नागालैंड में भी देख रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग के दिन हर बूथ में भी यही उत्साह दिखेगा। अभी त्रिपुरा में चुनाव हुआ पिछले हफ्ते, 80-90% तक वोटिंग हुआ और कई दशकों के बाद त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे चुनाव में मतदान हो गया, कहीं पर भी हिंसा की कोई घटना नहीं घटी, किसी की हत्या नहीं हुई। बहुत दशकों के बाद पहली बार हुआ है, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। शांतिपूर्ण पूरे नॉर्थ ईस्ट में चुनाव जब भी मौका आता है, आज वो वातावरण बना है। बीजेपी एनडीपीपी के
हर उम्मीदवार को आप भारी मतों से जिताएं और मुझे भी नागालैंड की सेवा करने की अधिक ताकत दें, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, ताकि मैं गांव बूढ़ों को जो वादा किया है, मैं हर दिन उस वादे को पूरा करना चाहता हूं। नागालैंड की जनता को मैंने जो वादे किए हैं, वो हर वादे मैं पूरा करना चाहता हूं। नागालैंड के युवाओं को, नागालैंड की महिलाओं को, नागालैंड के किसानों को मैंने जो वादे किए हैं, उन वादों को मुझे धरती पर उतारना है और हमारे इन साथियों की मदद से वो उतरना संभव होने वाला है। इसलिए मुझे आपका वोट चाहिए, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आप इतनी बड़ा तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।